बेगूसराय कांड पर बोले सीएम नीतीश, विपक्ष के हमले पर किया पलटवार, सुशील मोदी पर ली जमकर चुटकी। जब से बिहार सत्ता के रास्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के अलग हुए हैं, तब से ही यहां का राजनीतिक माहौल गर्म है। आलम यह है कि बयानबाजी लगातार अपनी चरम सीमा पर है। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर चुटकी लेते हुए हमला बोला है। सीएम ने कहा कि रोज बोलना उनकी यानी सुशील मोदी की मजबूरी है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने उन्हें लगाया ही नहीं और आजकल बोलते रहेंगे तो मोदी जी जगह दे देंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो दबाव देकर कार्रवाई करवाते थे, लेकिन अब हर मामले में कार्रवाई जीरो है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बड़ा अच्छा, सुशील मोदी को जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी, बेचारे को रोज बोलना है। सुशील मोदी रोज नहीं बोलेंगे तो एक ही मोदी हैं, आदरणीय मोदी जी तो लगाए नहीं, कहीं जगह नहीं मिली, मोदी जी को जगह दे देंगे। दरअसल पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल किया कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो दबाव देकर कार्रवाई करवाते थे, लेकिन अब हर मामले में कार्रवाई जीरो है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी, अगर वो रोज नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी हैं लेकिन जगह नहीं मिलेगी, इसलिए आजकल कुछ बोलते रहेंगे तो मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी मोदी जी सुशील मोदी को जगह दे देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बेगूसराय की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनका सबका कोई बोलने का मतलब है, पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, वो कल क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं, कोई सेंस है? लॉ एंड ऑर्डर आज तक कभी देखे हैं? मुझे बराबर पुलिस की तरफ से अपडेट मिल रही है, अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। तो जितना ज्यादा एक्शन कर रहा है और पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था और जिसको देखते रहना था नहीं देखा, उसको सस्पेंड तक कर दिया है और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब ये सब को कोई मतलब है जी? कल अच्छा ही जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है? आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं, अब कोई कहां गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। उस सबका जो फोटो आया है देखिए, हमको रेगुलरली जानकारी आ रही है और लोग बता रहे हैं कि पूरे तौर पर उसको देख रहे हैं, अब जब हो जाएगा तो पुलिस के लोग ही इस बात को एक एक चीज को अनाउंस करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को बेगूसराय में बेखौफ बाइक सवार 2 बदमाशों ने 11 निर्दोष लोगों को गोली मार दी। इनमें से एक की मौत घटना स्थल पर हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। जख्मी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है। अपराधी कितने बेखौफ थे इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नेशनल हाईवे 28 पर 4 थाना क्षेत्रों में निकलते हुए 30 किलोमीटर तक बदमाशों ने 40 मिनट तक राह चलते लोगों को गोली मारी। फरार बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं जो कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।